स्वागत है हमारे टेक्निकल अप्लाइंसेस चैनल में। इस वीडियो में हम दोस्तों बात करेंगे, ये जो गीज़र में यहाँ पे एक वाल लगा होता है इसको सेफ्टी वाल बोलते हैं, तो इसका दोस्तों क्या काम होता है और ये कैसे, इसके अंदर क्या क्या पार्ट्स लगे होते हैं पूरी डिटेल में आपको इस वीडियो में बताऊँगा, और इसके अंदर जो ये कैसे काम करेगा तो इस वीडियो को आप दोस्तों पूरा देखिएगा ताकि इस वाल के बारे में आपको पूरी जानकारी मिल सके। और अगर दोस्तों ये आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों का शेयर जरूर करें। तो दोस्तों चलो चलिए हम इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। मेरे पास एक गीज़र पड़ा है, इसके हम वाल को खोल के चेक करेंगे इसके अंदर से कौन कौन से पार्ट्स हैं, और रेंच की मदद से हम इसको खोल देंगे। थोड़ा सा टाइट होता है वो, उसके बाद आसानी से खुल जाएगा। थोड़ा सा ये और टाइट है, रेंच की मदद से हम इसको खोल लेंगे। यहाँ पे इसके स्लॉट बने हुए हैं दोनों साइड। ये दोस्तों जो वाल होता है ये प्रेशर के साथ काम करता है, जब इसके अंदर बहुत ज़्यादा हीट हो जाती है तो यहाँ से इसके पानी का प्रेशर जो बाहर निकलना शुरू हो जाता है, जो सुराख बने हुए हैं। तो ये आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ से जो ओपन है बिल्कुल, ये एक सुराख है यहाँ पर बना हुआ, ये अंदर से ओपन होता है, ये अंदर जो इसकी पाइप है इनलेट उसके साथ ज्वाइंट होता है ये वाला सुराख। और हम वाल में चेक करेंगे कौन कौन से पार्ट्स लगे होते हैं। इसके अंदर दोस्तों एक रबड़ लगी होती है यहाँ पे, जो सुराख के साथ अटैच हो जाती है, ये इसके साथ चिपकी हुई है क्योंकि ये वाल काफ़ी पीछे से टाइट होता है, इस साइड भी चिपक जाती है, और जो हमारा इनलेट पाइप है उसके साथ भी ये पूरे अच्छे से चिपक जाते हैं ताकि जो इसमें से पानी के लीकेज ना हो। और इसमें एक आप देख सकते हैं स्प्रिंग लगा हुआ है, ये दोस्तों स्प्रिंग इसके अंदर होता है, और यहाँ से नट है, इसको हम ढीला और टाइट कर सकते हैं यहाँ से। ये मैं आपको दिखाता हूँ पेचकस की मदद से, इसको लूज़ करेंगे तो ये बाहर आ जाएगा और टाइट करेंगे तो ये अंदर चला जाएगा। ये दोस्तों पूरा भी बाहर निकल जाएगा अगर इसको पूरा खोल देंगे तो। ये ऐसे सिंपली एक वाल बना होता है जिसके अंदर एक स्प्रिंग होता है और एक ऐसा डिज़ाइन बना होता है जो स्प्रिंग को पकड़ के रखता है, और उसके आगे एक रबड़ लगी होती है। जब इस गीज़र के अंदर बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाता है तो ये यहाँ से पानी बाहर निकलता है, और बहुत ज़्यादा प्रेशर होने की मदद से ये जो स्प्रिंग है पीछे घट जाता है, और ये आप देख सकते हैं ऐसे दब जाएगा और यहाँ से पानी बाहर आना शुरू हो जाएगा और प्रेशर इसका कम हो जाएगा। प्रेशर दोस्तों जो भाप बनती है इसके अंदर ओवरहीट के टाइम पे, उसकी मदद से ये वाल जो पीछे हट जाता है, जिससे हमारे सेफ्टी गीज़र की सेफ्टी हो जाती है। तो इसको हम दोबारा से इस पर टाइट कर देंगे। तो हमारे पास दोस्तों इसके अलावा एक नया वाल भी पड़ा है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये हमारे पास एक नया वाल है, इसके अंदर की हम रबड़ देखेंगे, ये बिल्कुल गोल है बिल्कुल। जो वो रबड़ थी गीज़र के अंदर लगी थी वो चपटी हुई थी क्योंकि उस पर काफ़ी अंदर से टाइट किया हुआ था ताकि जो पानी बाहर ना निकले। तो सबसे पहले दोस्तों हम देखेंगे इसका जो स्क्रू है बाहर की साइड, इसको मैं आपको दिखाता हूँ कि ये बाहर निकल जाएगा अगर इसको खोलेंगे तो। हम पेचकस की मदद से इसको खोल देंगे तो ये पूरा बाहर आ जाता है, बस सिंपली ये अंदर से बिल्कुल खाली है और यहाँ पे सुराख बना है और दूसरी साइड भी इसके सुराख बना है। तो हम इसको टाइट कर देंगे, और इसके साथ ही इसके अंदर एक स्प्रिंग होता है, और यहाँ पे इसका डिज़ाइन ऐसे बना होता है जो स्प्रिंग को पकड़ के रखे, और इसके अंदर ये रबड़ फिट हो जाती है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। और ये आगे गीज़र को हम अच्छे से टाइट कर देंगे तो गीज़र से पानी भी यहाँ से लीक नहीं होगा, और ज़रूरत पड़ने पर सेफ्टी के टाइम पर ओवर हीटिंग के टाइम पर ये ऑटोमेटिकली पीछे हो जाएगा और हमारी सेफ्टी हो जाएगी।
बस सिंपली दोस्तों ये ऐसे बना होता है, और इसके अलावा इसमें कोई और पार्ट्स नहीं होते। तो यहाँ से हम इसको टाइट कर देंगे, तो ये रबड़ अंदर से गीजर के साथ बिल्कुल चिपक जाएगी और पानी वहाँ से लीक नहीं होगा। तो दोस्तों अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है, इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आप ऐसा वाल मंगवाना चाहते हो तो मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यह तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ये दोस्तों बिल्कुल फ्री है, और इसके साथ ही बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लें, जिससे आपको हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और दोस्तों अगर आप हमारे परमानेंट मेंबर बनना चाहते हो और व्हाट्सएप पे हमारे साथ बात करना चाहते हो, तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं, जिसका खर्चा ओनली 29 रुपये पर मंथ है, जिसमें दोस्तों आपको स्पेशल वीडियोज़ और स्पेशल पोस्ट भी मिलेंगे, जो कि आपके बहुत ही काम आने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।